राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद कानपुर नगर के तत्वधान में आज कानपुर नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सभा जिसकी अध्यक्षता रविंद्र कुमार मधुर ने की। सभा में कानपुर नगर के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित महासंघ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल का भव्य स्वागत कानपुर मंडल में संरक्षक बीएल गुलाबिया के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता एवं महामंत्री शरद प्रकाश अग्रवाल, आयकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री पुनीत कुमार त्रिपाठी, हिंद मजदूर सभा के मंडल अध्यक्ष तारणी पासवान, पंचायती राज कर्मचारी कर्मियों के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवी एवं महामंत्री अजय कुमार वाल्मीकि, जलकल संयुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष एवं जिला संयोजक असद शमीम खान, नरपत कुमार, सुरजीत कुमार आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में लाखों नौकरियां रिक्त हैं, इसी को लेकर 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी वाहन जत्थों के साथ ब्लॉक स्तर से जिलों एवं मंडलों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के फायदे और न्यू पेंशन स्कीम आदि की कमियों से अवगत कराएंगे। दिन 3 नवंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित रैली में भी भारी संख्या में उत्तर प्रदेश कर्मचारी नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस रैली में बैंक, बीमा, डिफेंस, रेलवे, दूरसंचार, आयकर, पोस्टल आदि के कर्मचारी संगठन भी प्रतिभाग करेंगे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। व्हाइट कलर जितने लोग हैं, कोई मांगे कोई नहीं करता, कोई भी सरकार आ जाए सब शोषण करती है, चाहे अधिकारी का कर्मचारी। अधिकारी वास्तव में कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो प्रशासन काल हो जाता है, उसके जवान भी काला रहता है। आज आवश्यकता है फिर से कि कर्मचारी अकेला ना हो, उसके साथ मजदूर भी हो। मजदूर अगर साथ रहेगा, चाहे वो किसी भी दल का समर्थक हो, चाहे किसी भी विचारधारा का समर्थक हो, जो अलग अलग वास्तव में जो घटे हैं ना, वो ठीक जिस दिन मान लेंगे, कोई सरकार हो किसी दल की हो, हम सबको मानेंगे। हम मतदाता भी हैं, वोट बैंक भी हैं। अगर वो समझते हैं कि हम वोट बैंक नहीं हैं, हम सरकारें बनाई है, सरकारें बदलना नहीं है। हमने लंदन पार्टी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल बैठी था, राज कर्मचारियों के रूप में उनका प्रभाव देखा है, तमाम संघों का देखा है। तो वास्तव में जैसा कहा कि वो कर्मचारियों का ही जुनून था या मजदूरों का ही जुनून था, जब वो थी एक थी तो सरकारें भी झुका करती थी और सरकारों में भी नैतिकता हुआ करती थी, हिटलर साइड नहीं हुआ करती थी। अध्यक्ष डॉक्टर राजपति राजपति अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता जी, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री भाई पुनीत कुमार त्रिपाठी जी, हिंद मजदूर सभा एवं खाद्य विभाग से जुड़े हुए राष्ट्रीय एवं मंडल के हमारे पदाधिकारी भाई तारणी पासवान जी, हमारे आयकर अधिकारी एवं कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति एवं अनेक पदों पर सुशोभित भाई शरद प्रकाश अग्रवाल जी, पंचायती राज सफाई कर्मी के हमारे नेतागण भाई अजय कुमार वाल्मीकि जी, सुनीता कुमारी जी, हमारे लोक निर्माण विभाग के साथी एवं राज कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष भाई सनाउल्ला खान जी, जिला संयोजक असद शमीम खान जी, हमारे शुक्ला जी और यहाँ पर उपस्थित बहादुर साथी। सर्वप्रथम जो आपने हमारा ये स्वागत सम्मान समारोह किया, हम उसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं और आज की अध्यक्षता कर रहे भाई रविंद्र कुमार मधुर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी कोई भी बात शुरू करने के पूर्व जो मैंने अनुभव किया वह यह है कि यहाँ पर बहुत हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, तो मैंने यही आग्रह किया था कि कम से कम मालाओं को मंगवाइएगा। ये मालाओं का अपमान होता है जब ये हमको पहना दी जाती हैं, तो बहुत से नेता लोग हमने देखा उसको फेंक के चले जाते हैं, तो ये उसका अपमान है। तो इसका अपमान ना हो, एक माला ही इसके लिए काफ़ी है, 100 माला से और एक माला से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो ये एक बात है कि भविष्य में हम लोग इस पर विचार करेंगे कि सबकी तरफ से एक माला बहुत है, वो भी एक छोटी सी ये नहीं
डेढ़ दो किलो की, 100 किलो की, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस वजन के हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी एक ही स्थान पर उपस्थित होकर कर्मचारियों की समस्याओं, ज्वलन समस्याओं को निपटान कराने के लिए एकत्रित हुए। सर्वप्रथम पुरानी पेंशन बहाली, पीएफ आरडीए बिल को रद्द कराना, संविदा एवं आउटसोर्सिंग के कर्मियों भर्तियां कराना, जब तक उनकी नियमित भर्तियां नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश उमा देवी बनाम कर्नाटका में समान कार्य के समान वेतन, मिनिमम 26,000 रुपये वेतन लागू करो, और जब तक वो लागू नहीं किया जाता है और संविदा कर्मियों को जो है जॉब गारंटी लागू करो, उनका पीपीएफ और जीआईएस का कटौती कराओ, उनको कम, उनके मृत्यु होने पर उनको लगभग 30 लाख रुपए का मुआवजा सुनिश्चित करो, निजीकरण बंद करो, बिजली कर्मचारियों को का जो उत्पीड़न है उसको बंद करो। इन्हीं सब बातों के साथ हम राज कर्मचारियों के बीच में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाएंगे और उनको जो है इन बातों से अवगत कराएंगे और आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। तो 2024 में जो सरकार बनाने का प्रश्न है, वह राजनीतिक लोग हैं, हर राजनीतिक पार्टी अपनी सरकार को आने के लिए कहता है, हमारी किसी भी सरकार से नहीं, हमको तो, हम कर्मचारियों के नेता हैं और कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है, यदि वो भविष्य जो भी सरकार काम कर रही हैं और यदि वो हमें मांगे नहीं मानेंगी तो हम आंदोलन करेंगे और जो सरकार पेंशन की बात करेगी हम उसको पेंशन प्राप्ति के लिए उसी को अपना वोट देने की बात करेंगे। तो इस बार बदलाव आएगा क्या? बदलाव आ रहा है, कर्नाटक और हिमाचल इसका उदाहरण है कि वहाँ पे पुरानी पेंशन की बात जिन सरकारों, जिन नेताओं ने की, उनकी सरकार वहाँ बन चुकी है और वो पुरानी पेंशन को बहाल कर रहे हैं।